लास्ट वेरिएंट मतलब अभी तक का, आगे कुछ भी हो सकता है, बट मजेदार है, इजी है। जैसे उसमें डिमांड में एक इंटरेस्टिंग वेरिएंट आया था कि टोटल एक्सपेंडिचर गिवन था, तो टोटल खर्चा अगर हम कर रहे हैं, प्राइस गिवन है तो क्वांटिटी निकालते थे। ऐसे यहाँ पे कभी कभी होता है टोटल रिसीट्स अगर गिवन है तो क्या होगा, तो टोटल रिसीट्स का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल रिसीट्स और टोटल रेवेन्यू एक ही बात है, टोटल रिसीट्स और टोटल रेवेन्यू एक ही बात है। मतलब क्या होता है इसका, इसका मतलब होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। टोटल रेवेन्यू मतलब आपने कितना पैसा कलेक्ट करा, टोटल सामान बेच के कितनी यूनिट्स बेची, क्या उनका प्राइस था, टोटल रेवेन्यू, टोटल रिसीट्स, कोई डाउट? तो टोटल रिसीट्स पी इंटू क्यू ही होता है। तो अगर आपको टोटल रिसीट्स गिवन है, प्राइस गिवन है, तो क्वांटिटी क्या हो जाएगा इससे, टोटल रेवेन्यू अपॉन प्राइस। अगर आपको क्वांटिटी गिवन है और टोटल रेवेन्यू गिवन है, तो प्राइस क्या हो जाएगा, टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी। कोई भी डाउट, कोई भी डाउट? चलो सर क्वेश्चन कर लेते हैं फिर इस पे, इतना सिंपल है तो, है तो बेटा बहुत ही सिंपल। चलो ऑड करूं या इवन, सृष्टि और ऑड करूं या इवन, क्वेश्चन का आंसर, ठीक है ना? तो यही बताना चाहता हूँ कि जैसा क्वेश्चन पूछा जाए आंसर वैसे देना चाहिए, आपका सही भी है और डिफरेंट भी है। एग्जैक्ट होना चाहिए, ठीक है ना, एग्जैक्ट होना चाहिए। द रिसीट्स ऑफ अ फर्म आर 6,000 व्हेन द प्राइस ऑफ अ गुड इज 100 पर यूनिट। तो रिसीट्स और प्राइस गिवन है तो क्वांटिटी आ जाएगा। व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस टू 120, द रिसीट्स ऑल्सो इंक्रीज बाय इंक्रीज टू, सॉरी बाय में लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, टू 7,800। तो इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं पहले, क्या कह रहा है क्वेश्चन 31। टोटल रेवेन्यू पहले कितना था, 6,000, जब प्राइस कितना था, 100, प्राइस 100 था, प्राइस बढ़ा 120, TR1, प्राइस 1, प्राइस बढ़ा कितना हो गया, 120, तो 7,800, ठीक है। तो हम क्या निकाल सकते हैं इस इंफॉर्मेशन से ऋषभ, डेल्टा वेरी गुड, सही कहा आपने, हम इससे क्या निकाल सकते हैं, क्वांटिटी। तो क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या होता है, क्वांटिटी का फॉर्मूला होता है टोटल रेवेन्यू अपॉन पी। कैसे, क्योंकि टोटल रेवेन्यू, सिंस टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू पी इंटू क्वांटिटी, क्लियर? तो क्यू आ जाएगा, क्यू क्या है, टोटल रेवेन्यू 6,000 डिवाइडेड बाय 100, 2,020, तो क्या है, 60 यूनिट्स। ऐसे ही क्यू वन निकल जाएगा, TR1 अपॉन P1, TR1 इज 7,800, P1 इज 120, 6 और 12, 6 इज 78, ओह सॉरी 12, 6 इज 72, तो 8, 7, 15, 3 से चलो पहले सिंप्लीफाई करते हैं, 3, 4 इज 12, 3, 2 इज 6, 1, 8, ठीक है, 4 से जा रहा है, 4, 10, 4, 6 इज 24, 20, ठीक है, 65 आ गया। कोई डाउट, कोई भी डाउट? अब आपके पास क्वांटिटी भी आ गई, प्राइस भी आ गया, तो डेल्टा क्यू इज 5, डेल्टा पी इज 20, तो अरे ध्यान से देखो यार, इलास्टिसिटी इज डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू, डेल्टा क्यू इज 5, डेल्टा पी इज 20, ओरिजिनल प्राइस वाज 100, ओरिजिनल क्वांटिटी वाज 60, तो 1,0,1,0,1,0,1,0, तो 5/12, ट्वेल्व 24, 36, 48,
20, 12 80, 12 6 72, तो 0.42 हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन है? हाँ वो मतलब 418, वो राउंड राउंड ऑफ करेंगे तो 442 है एग्जैक्ट आंसर, वैसे 42 है, वेरीफाई कर लेते हैं। 12 24 36 48, 20, 12 12 80, 42 आ रहा, ठीक है ना, अगर राउंड ऑफ करेंगे उसको तो 42 है, सही है हमारा आंसर, 0.42। कोई भी डाउट? इजी, टोटल रेवेन्यू गिवन है तो उससे क्या हो जाएगा, आप या तो प्राइस निकाल लेंगे या क्वांटिटी निकाल लेंगे। चलो, टोटल रिसीट्स ऑफ अ फर्म गेट डबल्ड ड्यू टू अ 20% राइज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एक्स। तो परसेंटेज चेंज प्राइस एक्स है, परसेंटेज चेंज प्राइस 20% है। इफ द ओरिजिनल सप्लाई वॉज 30 यूनिट्स एट अ प्राइस ऑफ 100, कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ध्यान से देखना, टोटल रिसीट्स ऑफ द फर्म गेट्स डबल्ड ड्यू टू अ 20% राइज इन द प्राइस। ओरिजिनल प्राइस क्या था? 100, ओरिजिनल सप्लाई क्या थी? 30, तो ओरिजिनल रेवेन्यू क्या था? 3000। तो प्राइस अगर बढ़ा 20% से, 100 से 120 हो गया, तो रेवेन्यू डबल हो गया, मतलब 3000 का 6000 हो गया। तो अब आपके पास रेवेन्यू आ गया 6000, प्राइस 120 है, निकाल लो यूनिट्स। समझ आ गई बात? कर दूं? कर दो नजर, उतना तो कम हो जाएगा हमारा, बाकी तो हमें ही करने, ऐसी फीलिंग आ रही है। क्वेश्चन 33, ध्यान से देखेंगे, ओरिजिनल प्राइस क्या है? ओरिजिनल प्राइस है 100, ओरिजिनल क्वांटिटी है 30, ओरिजिनल प्राइस 100, ओरिजिनल क्वांटिटी 30, तो ओरिजिनल रेवेन्यू प्राइस इनटू क्वांटिटी। ठीक है, अब क्या होगा? अब होगा रेवेन्यू डबल, प्राइस राइजेस बाय 20%, तो डेल्टा बी इज 20, तो न्यू प्राइस इज 100 प्लस 20, 120, टोटल रेवेन्यू इज डबल। कोई डाउट? तो क्वांटिटी इज इक्वल टू Q1 is equal to TR1 upon P1. Okay, 50 units. कोई भी doubt? Clear? तो elasticity is delta P or delta Q upon delta P into P by Q. Delta Q is, पहले कितना था quantity? 30. 20, डेल्टा पी एस 20, ओरिजिनल प्राइस 100, ओरिजिनल क्वांटिटी 30, तो 20 3.33। कोई भी डाउट? क्लियर? कौन सा था ये? 33 का आंसर 3.33। कोई भी डाउट? ओके, और कराओ उसको।